प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर बिको। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत के मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी, जिनको हम पहले जी न्यूज पे भी देखा करते थे, और ये दोनों बात करेंगी भारत में हो रहे चुनावों की जमीनी हकीकत पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए इसे भी साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद जय भारत। लेकर आई थी क्योंकि आज जब मैं इसके लिए खबर के बारे में और डिटेल में जाकर पढ़ रही थी आरजू, और मैं चाहूंगी कि जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़े से फैक्ट्स के माध्यम से ये बात समझ में आए। तो यूपी पुलिस की, असम पुलिस की और बीएसएफ की रिपोर्ट है, क्या कहती है? उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती जिले हैं, 7 जो सीमावर्ती जिले हैं, अगर मैं उनकी लास्ट 10 ईयर्स में बात करूं तो वहां पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। 10 ईयर्स में 32% यूपी के 7 सीमावर्ती जिलों में, और उन्हीं सीमावर्ती जिलों के अगर मैं 116 गांवों की बात करूं तो उनमें 50% मुस्लिम आबादी। तो ये आप समझिए। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर 10% मुस्लिम आबादी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और ये वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। इसके अलावा असम, हिमंत बिस्व शर्मा लगातार कई बार सुर्खियों में रहते हैं, उसे लेकर जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गई, उन्होंने ये कहा जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, बीएसएफ की जो रिपोर्ट थी, नहीं माफ कीजिएगा, असम पुलिस की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश से इलाके सटते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से इलाके सटते हैं या गांव सटते हैं, जिले सटते हैं, वहां पर करीब 30% आबादी जो है, मुस्लिम आबादी जो है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ डेटा है जो इस, जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं उसे एक्सप्लेन करता है। और जो बार बार ये पढ़ने में और देखने और सुनने में आता है कि भाई जो जनदर है वो कम हुई है मुस्लिम्स में भी, तो इस पॉपुलेशन बढ़ोतरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को ये कहा गया उसके बढ़ने को ये एक मिथ है। तो ये जो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराई जा रही है, और जिसके पीछे जाहिर तौर पर आरजू मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल मंशा है, नहीं तो आप घुसपैठियों को लेकर नरम दिल कैसे हो सकते हैं? अगर आपके संसाधनों का दोहन बाहर से आने वाले घुसपैठिए करने लगे, और जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के मूल निवासी है, अगर उन्हें अपने ही रिसोर्सेज पर उनका क्लेम कम होने लगे या वो उनसे वंचित होने लगे, तो किसी भी देश को बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ मंथन करना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2014 के बाद से लंबी डिबेट रही है, क्योंकि जब जब घुसपैठियों की बात की गई है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे रिलीजियस ओवरटोन देने की कोशिश की है और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घुसपैठियों और शरणार्थियों का फर्क समझा जाना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे वाजपेयी साहब की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे तो राजनीतिक दल रहेंगे। तो ये बात राजनीतिक दलों को समझनी है। और क्योंकि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इस देश में काफी चिंतन हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, यहाँ तक कि इस तरह की बातें भी कही गई कि जो लोग अगर ज्यादा बच्चे हों तो उनको सर्टेन राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए, ये सब डिस्कशंस हुए हैं। लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी मांग होती रही है, और ये कहा है कि अगर हमें फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना है और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना है, तो इस दिशा में बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर योग गुरु रामदेव, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कुछ साल पहले तक काफी वोकल थे, वो इस बात को काफी मुखर तरीके से उठाते रहे। और राजनीतिक जो मुझे कहना चाहिए जो राजनीतिक कॉर्नर्स है, पोलिटिकल कॉर्नर्स है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी इसे लेकर बात हुई है, लेकिन किसी तरह की सहमति बन पाई हो या इसको व्यवहारिक तौर पर भी इम्प्लीमेंट करना, खासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में, मैं ये मानती हूँ कि इतना ईजी नहीं है, लेकिन अब सीरियसली इस पर काम होना चाहिए। मैंने तो कई बार ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे कई आपके जो लीडर्स हैं उनके क्लिप्स हैं, या कई पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कहना था कि जी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, और कुछ टाइम पे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक बार फिर जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी तो उनका होल्ड हो जाएगा साथ, कुछ मुस्लिम जो लीडर्स कह लीजिए या जो भी, उनका ये भी कहना था कि जब हम मेजोरिटी में आ जाएंगे तो हम फिर राम मंदिर बना देंगे। खैर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर भी लिया जा सकता है। हाँ सॉरी, राम मंदिर, हाँ राम मंदिर हटा के दोबारा
हम वही जो बाबरी मस्जिद है फिर बना लेंगे, खैर उसको आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं। घुस बैठिए कि आपने बात की, तो जो लोग इलीगल तरीके से हर कंट्री में ही जाते हैं, हमारे यहाँ भी कई बार ये इशू रहा है, तो आपके यहाँ तो एक बड़ा हंगामा रहा था एक सीमा हैदर वाले केस को लेकर, कि जी वो 4 बच्चों के साथ पहुंच गई, रह भी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो खत्म कहानी, और वो रह रही है। तो अगर आप लोगों के इसी तरह के लॉस बने तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे लॉस में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे कानून अपनी जगह है। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उन्होंने बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम की बात की थी। मैं जब अब देखती हूँ, और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, एक्चुअली दुनिया भर के जो तमाम मुल्क हैं वो उससे काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाके होमवर्क किया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर कानून खड़े कर दिए। कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि कट पेस्ट करने की कोशिश की गई, उन्होंने इंडिया के हिसाब से हर नियम कानून को कस्टमाइज करने की भी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी लगती है वो ये लगती है, दे कुड सी इन टू फ्यूचर। उन्हें पता था कि इंडिया की जो प्लुरालिटी है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, वो उसे फोर्सी कर सकते थे कि फ्यूचर में चैलेंज ना हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की भी बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की गई, जो कि अपने आप में एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन और उसमें डिबेट रही, और बीजेपी के कोर एजेंडा में यूसीसी है। और बीजेपी ये अभी भी जो उनका घोषणा पत्र था, आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी इस देश की जरूरत है, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो वक्त के साथ इंडिया ने अपने कानूनों को रीइन्वेंट भी किया है, उन्हें इनोवेट भी, मतलब उनमें बदलाव भी लाए हैं वक्त के मुताबिक। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी जो क्रिमिनल लॉ था उसमें किस तरह से अमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो इंडियन लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की। जब कुछ राजनीतिक दल उसमें नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर वोट बैंक ढूंढने लगे तब दिक्कत है। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपने वोट बैंक को रखने लगते हैं तो जो लार्जर गोल है, जो पब्लिक गुड है, वो कहीं गौण हो जाता है। और वहीं पर ये प्रॉब्लम है, इंडियन लॉ का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर इंडिया में, भारत ने ही कहा अभी जो सीए में जिन्हें नागरिकता देने की बात कही गई, भारत ने कहा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास जो ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारे कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके लिए बकायदा उन्होंने एक कट ऑफ डेट भी सेट की। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये कुछ पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है, ये उनकी जो वोट बैंक को लेकर जो उनकी भूख है उसका प्रॉब्लम है। और बहुत जरूरी है कि ये दल इस बात को समझे कि फ्यूचर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का नहीं, उनकी अपनी जनरेशन्स का भी, लीडर्स की अपनी आने वाली जनरेशन्स का भी स्टेक पर है। और आई एम श्योर एट सम पॉइंट इन टाइम हम कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स देखेंगे। खास तौर पर हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो दरअसल देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम देखेंगे कि 4 जून के बाद जैसे गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी वापस आएंगे तीसरी बार या जो भी होगा, उसके आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े कदम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, कि इंडिया घुसपैठियों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगा, जो आगामी सरकार आएगी वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को अप्रोच करेगी। ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है इंडिया की नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिहाज से भी। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, और हमें भी इंतजार है कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तान से बात होती है या नहीं होती है, पाकिस्तान भी इस इंतजार में है देखें, कि जब उसमें तो आरजू मोदी जी को लेकर तो आपके यहाँ है ही, वो तो सीधा कहते आए हैं टेरर और टॉक्स जो है वो साथ चलेंगे नहीं, और पाकिस्तान को टेरर को त्यागना होगा इंडिया को वापस लाने के लिए। एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स आप सुन ही रहे, राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स, डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आप सुन ही रहे, वो तो अब ये कह रहा है कि पीओके पे बात करेंगे, और वो बीजेपी को, बीजेपी चाहे वो मिनिस्टर का इंडियन पार्लियामेंट में भाषण हो, रिजोल्यूशन हो कि पीओके भारत का है और इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ कि फवाद चौधरी जैसे नेता क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर वो इस्लामोफोबिया वाला फेक नैरेटिव, और उन्हें क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस आती है, राहुल गांधी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, तो उन्हें क्यों उम्मीद की किरण दिखाई देती है पाकिस्तान के लिहाज से।
वो तो खैर बिल्कुल हमने देखा है शुरू से कि बहुत ज्यादा कांग्रेस को फेवर किया जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी हमें लेकिन उम्मीद है आप कि फवाद अगर चौधरी को बताए ना कि पाकिस्तान वोट नहीं करता इंडियन इलेक्शन में, वोट तो इंडियन वोटर ही करेगा। नहीं डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स तो आती रहेंगी जैसे भारत से आती रहती हैं, और मेरे ख्याल ऐसा होता रहना चाहिए क्योंकि हाँ, थोड़ा माहौल बना रहता है। एंटरटेनमेंट होता रहता है उसके बाद। थैंक ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आदिति, क्या जब आप यू आई और आपने आरजी, ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक नमस्कार। यू, नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और अदिति त्यागी जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों महिला पत्रकारों ने बात की हमारे देश में हो रहे चुनावों के बारे में, और खासकर आपने देखा इन्होंने बात की कैसे कि हिंदू आबादी किस तरीके से नेगेटिव ग्रोथ कर रही है और वही मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी ओर आपने देखा अदिति त्यागी जी ने हाईलाइट किया कांग्रेस और पाकिस्तान के लव अफेयर को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।